हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकुल। तो आज की वीडियो के अंदर फाइनली अपन बात करने वाले हैं DAIICT धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अब देखो, इस रिव्यू को बनाने के अंदर बहुत टाइम लगे, बात मानता हूं मैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से कॉमेंट कर रहे थे, रेगुलरली सारे कॉमेंट में पढ़ रहा था, पर मेरी भी मजबूरी थी कि मैंने इतनी रिसर्च की इस कॉलेज के बारे में। 10-15 दिन हो चुके हैं इस कॉलेज से पीछे पढ़ाऊंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कॉन्टेंट मेरे को, जो मैं चाहता हूँ उस लेवल का कॉन्टेंट मेरे को मिल जाए। मतलब कोरा पे गूगल पे तो सारा ही पड़ा है, उसको देखकर तो मैं 2 दिन के अंदर का 4-5 घंटे में बना सकता हूँ, पर 15 दिन ऐसे लगा कि मेरे को इस कॉलेज के कोई स्टूडेंट्स ही नहीं मिले। इतने सारे स्टूडेंट्स को मैसेज किया, बहुत कम लोगों ने रेस्पॉन्ड किया। अब पिछले 3-4 दिनों में जाके को 2-3 स्टूडेंट्स मिले, उनसे अच्छे से रिसर्च की, सारी बात की, उनसे फिर स्क्रिप्ट तैयार हुई है। मतलब जब तक क्या है, उस लेवल तक का कॉन्टेंट नहीं आता ना कि मेरे को सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, हाँ ये सफिशियंट इन्फॉर्मेशन है आपको बताने के लिए कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए इस कॉलेज के बारे में, तब तक मेरे से वीडियो बनती नहीं है। केवल वीडियो बना के छोड़ दो उसका कोई मतलब तो है नहीं, कुछ ना कुछ आपको मतलब डिसीजन मेकिंग के अंदर एक पर्सपेक्टिव तो मिलना चाहिए कॉलेज के बारे में। तो इसलिए सॉरी यार, थोड़ी लेट होगी बनाने के अंदर, पर अब फाइनली हमारे पास में DA-IICT का कंप्लीट पूरा कुंडली तैयार है, स्क्रिप्ट तैयार है, तो अब अच्छे से इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अभी तो आपको इस चैनल के ऊपर जितने भी कॉलेज प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड कॉन्टेंट दिख रहा होगा, पर कॉलेज में घुसने के बाद जो कॉन्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप एंथुसियास्ट हो, तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत मजा आने वाले चैनल के ऊपर फ्यूचर के अंदर। तो चलिए प्रोसीड करते हैं DA-IICT के प्रोज एंड कॉन्स में। तो सबसे पहले DA-IICT का एक चुक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस कॉलेज की फुल फॉर्म धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2001 के अंदर, जैसे नाम से पता चल रहा है इनका फाउंडर ग्रुप अंबानी ग्रुप है। इसके अलावा इस कॉलेज के अंदर आपको 3 ब्रांचेस देखने को मिलेगी, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, BTech इन ICT ऑनर्स विथ माइनर इन CS, और एक मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। ये क्या है? मतलब काफ़ी नए नए नाम हैं ब्रांचेस के, जनरली अपन CS, IT, मैकेनिकल, EC ये सारे नाम सुनते हैं, पर ये काफ़ी इनोवेटिव नाम लग रहे हैं, तो डरने की बात नहीं, ये अच्छी ब्रांचेस है। ICT के अंदर आपको ECE, CS, IT इन सब का नॉलेज मिलेगा, मतलब जो कंपनी CS, IT की प्लेसमेंट्स के अंदर आती है वही सारी कंपनीज इन्हीं की प्लेसमेंट्स के अंदर भी आएगी। मतलब करिकुलम ऑलमोस्ट सेम होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, इसका ही एक पार्ट होता है IT, तो ICT के अंदर आपको उससे ज़्यादा ही नॉलेज देखने को मिलेगा। और इन ICT विथ माइनर इन CS ये भी ठीक ठाक ब्रांच, इसके अंदर मैक्सिमम जो सीट्स है वो ICT की है। और टोटल सीट्स की बात करो तो इस कॉलेज के अंदर मात्र 390 सीट्स है। इसी रीजन से मेरे को शायद इस कॉलेज के स्टूडेंट्स इतने रैंडम नहीं, जैसे दूसरी SRM, VIT और जो बड़ी बड़ी कॉलेज उनमें स्टूडेंट इनटेक बहुत ज्यादा है, तो सोशल मीडिया पे भरे पड़े वहां के स्टूडेंट, तो आसानी से 1-2 दिन के अंदर मैं बहुत सारे मैसेजेस करता तो मेरे को रिस्पॉन्स मिल जाता और अच्छे से ढंग के स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट हो जाता था। और इसका एडमिशन प्रोसेस देखें तो JEE Mains के थ्रू होगा, गुजरात CET के थ्रू होगा और NRA Kota के थ्रू होगा। अब इसके अंदर बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, जो मतलब रिजर्व्ड है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो सबसे पहले बात करूं टोटल सीट्स इसके अंदर 390, जैसे मैंने आपको बताया 195 सीट्स है वो ACPC के लिए रिजर्व्ड है। ACPC काउंसलिंग का नाम है, जो गुजरात CET एग्जाम्स देते हैं स्टूडेंट्स उनकी काउंसलिंग का नाम है ACPC। अब ACPC के अंदर अराउंड 50% सीट्स रिजर्व्ड है, तो ये कौन सा फैक्टर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ऑल इंडिया जो स्टूडेंट्स, जैसे हम जैसे स्टूडेंट जो गुजरात के नहीं है, जिन्होंने 12th गुजरात से नहीं की, हम जैसे मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट जिन्होंने गुजरात से 12th नहीं कर रखी, तो उनके लिए जो सीट्स रिजर्व है वो 35% है मात्र, मतलब 137 सीट्स है जो वो नॉन गुजरातीज के लिए, जो दूसरे ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर लाई करेंगे। और बाकी जो सीट्स है 15% बची वो NRA Kota के अंदर है। तो एक आपको थोड़ी सा इंट्रोडक्शन टाइप मिल गया होगा। तो भाई साहब, प्रोज एंड कॉन्स को एकदम दिल लगा के आराम से सुनना, काफ़ी मेहनत की उसके ऊपर, और मेरे को पर्सनली ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा सही लगी। मतलब LNMIIT जयपुर का एक मैंने रिव्यू किया था, तो उस टाइप की वाइब आ रही है इस कॉलेज का रिव्यू करने के अंदर। इस कॉलेज का जो स्क्रिप्ट है मेरी उसके अंदर सेम उसी टाइप का मेरे को माहौल दिख रहा है, पर DA-IICT के अंदर, LNMIIT के अंदर कुछ कमियां हैं तो उनको अपन कंपेयर करेंगे तो आपको एक थोड़ा और एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। प्रोज एंड कॉन्स में इसका सबसे बेस्ट और सबसे पहला पॉइंट है लेस क्राउड मोर क्वालिटी। एक ऑब्वियस सा रीजन है, आप खुद एनालाइज कर सकते हो, साउथ की कॉलेजेस देख लो 1500 सीट होते हैं केवल कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो इसके अंदर ओवरऑल सीट्स ही 390 और सारे जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो मेरिट बेस के ऊपर जा रहे हैं, वो गुजरात CET का एग्जाम देकर जा रहे हैं, NRA Kota थोड़ा अलग है, NRA Kota के थ्रू जा रहे हैं, या फिर जो JEE Mains की रैंक है अपने उसके हिसाब से जा रहे हो। JEE Mains की रैंक तो छूती है आसमान, तब जगह आपका इसके अंदर एडमिशन होता है।
उसके बारे में बात करेंगे। तो मतलब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको काफ़ी डिसेंट देखने मिलेगी अगर अपन क्वालिटी को मार्क्स से कंपेयर करते हैं तो, जो मैं पर्सनली नहीं करता पर एक सोसाइटी के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे इसकी जो अच्छी चीज़ है, फीस इसकी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है कंपेरेटिव टू दूसरी प्राइवेट कॉलेजेस, जैसे हम बात करें VIIT की, मणिपाल की और UPES की, LNMIIT की, इनके कंपेयर में बात करें तो इसकी फीस थोड़ी अफोर्डेबल है जो कि है अराउंड 86,000 पर सेमेस्टर, अराउंड बता 86,000 पर सेमेस्टर है आपकी कुछ ट्यूशन फीस होगी और 20-25,000 आपकी हॉस्टल फीस है, तो ये मान लो आपका 8,00,000 के अराउंड खर्चा पड़ेगा 4 साल का ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल फीस। अब इसके अंदर प्रोज के अंदर सबसे अच्छा फैक्टर मेरे को ये पर्सनली अच्छा लगा, आपके लिए डिफर कर सकता है, ये लगा कि इसके अंदर कोई आपका मैथ सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, हॉस्टल के अंदर आपका मैथ्स वाला कोई सिस्टम नहीं है, मैथ्स के कोई आपके एक साथ में चार्जेस नहीं देने, मतलब मैथ्स के अंदर क्या होता है दूसरी कॉलेजेस में कि आपको एडवांस पैसे देने पड़ेंगे, अब आपको एक दिन वाला भूख नहीं, आप बाहर कैफेटेरिया में खा के आ रहे हो तो उस दिन के भी पैसे लग रहे हैं, तो इसके अंदर अलग सिस्टम है कि आपके 8,00,000 या फिर 8,60,000 समथिंग आपके 4 साल के पड़ेंगे, वो थोड़ा यार ऊपर नीचे रहता है, मतलब अलग अलग हर साल थोड़ा इंक्रीमेंट होता है, तो अराउंड 8,00,000 रुपीज़ आपके 4 साल के लग रहे हैं ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल के। मैथ्स का ये चार्ज करती नहीं है कॉलेज, मैथ्स के अंदर क्या सिस्टम है, इसके अंदर कैफेटेरियाज दिख जाएंगे आपको, बहुत सारे फूड कोर्ट्स दिख जाएंगे, तो सुबह आप पे करो खा लो, शाम को पे करो खाओ, नहीं जिस दिन भूख है मान लो कैंपस से बाहर जाके कुछ खा के आ रहे हो तो उस दिन आपको कुछ पे नहीं करना, मतलब पैसे दो और खाना खाओ, ये सिस्टम है। बवाल चीज है वे, साला सिस्टम मिल जाता है, अफोर्डेबल है वहाँ के भी प्राइसेस सारे और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का खाना भी आपको उन कैफेटेरियाज के अंदर मिल जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि यार मेरे को पूरे इंडिया के अंदर एक पहली कॉलेज ऐसी दिखी अभी तक मैंने जितने भी रिव्यू किए हैं कि जिसमें ये सिस्टम है कि आपको मैथ्स वाला कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है, पैसे दो और खाना खाओ, जिस कैफेटेरिया से जाना है आपकी चॉइस की कैफेटेरिया से खाओ, आपकी चॉइस के फूड कोर्ट से खाओ, आपको बाहर जाके खाना है ना बाहर जाके खा के आओ, मतलब मेरे को सही लगा काफ़ी सिस्टम, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इंक्लूड कर लेते हैं 4 साल में कितना खा लोगे आप, 2,00,000-4,00,000 का खर्चा, तो भी मैक्सिमम आपके 12,00,000 का एक्सपेंस पड़ेगा 4 साल की बीटेक का DA-IICT के अंदर। तो अब बात करते हैं जो फ्रीडम आपको मिलती है DA-IICT में, सबसे पहली चीज तो यार यहाँ पे जो कर्फ्यू टाइमिंग है ना वो है 12 PM, मतलब 12 PM तक आप कॉलेज के बाहर कैंपस के बाहर रह सकते हो, 12 बजे बाद आपको कैंपस में आना, जरूरी नहीं आपको रूम में जाना है, 12 बजे बाद आप कैंपस के अंदर भटक रहे हो घूम रहे हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो यार ये मेरे को ये अगेन ये कॉलेज इस चीज़ के अंदर भी पहली ऐसी कॉलेज देखी जिसके अंदर कर्फ्यू टाइमिंग्स 12 PM का है, तो काफ़ी सही चीज़ है यार ये भी, मतलब थोड़ा चिल वाइब आपको मिलती है वहाँ पर, फ्रीडम मिलती है आपको। और उसके अलावा क्लब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको उनके अंदर मिलती है, काफ़ी एक्टिव है क्लब्स वगैरह का जो सीन है, और अटेंडेंस पॉलिसी के अंदर भी एकदम ऐसे यूनिवर्सल स्ट्रिक्टनेस वाली चीज़ नहीं है वहाँ पे आपको, मतलब प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करता है, कुछ बहुत लीनियंट होते प्रोफेसर तो चिल वाइब के अंदर 60% 70% भी तो आपका कुछ ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, और कुछ ऐसे होंगे अगर 75% 74% भी होगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो वो प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है, पर एज अ होल देखें तो फ्रीडम वाली वाइब है, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस वाली चीज़ अपन को फील नहीं होती इस कॉलेज के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं रिसर्च एंड एकेडमिक्स के अंदर भी, कॉलेज काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है ऑब्वियसली यार, फैकल्टीज़ की जो क्वालिटी यहाँ पे वो भी काफ़ी अच्छी है, फैकल्टीज़ अच्छे लर्नड है अपने टॉपिक के अंदर, उनका जो सब्जेक्ट है उनके अंदर उनको अच्छा नॉलेज है, ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बहुत प्राइवेट कॉलेज है नोएडा के अंदर जिनके अंदर जो फैकल्टीज है वो उसी कॉलेज से पढ़ी हुई है वहीं पर लगी हुई है, जिनको खुद को अपनी ब्रांच का नॉलेज ही नहीं और वो बस प्रेजेंटेशन चला रहे हैं स्लाइड्स मार रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी ऐसे टीचर आपको देखेंगे पर जो मेजोरिटी ऑफ टीचर है वो क्वालिटी वाले होंगे जिन्होंने अच्छा रिसर्च कर रखी है अपने सब्जेक्ट के अंदर, और अगर आप रिसर्च के अंदर भी जाना चाहते हो तो आपको भी उसके अंदर भी डिसेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज भी इस कॉलेज के बहुत अच्छे हैं, फॉरेन के अंदर अगर आपको एक्सपोजर चाहिए फॉरेन के स्टूडेंट्स वहाँ पर दी, जैसे NRA कोटा है तो फॉरेन स्टूडेंट्स भी आपको दिखेंगे यहाँ पे, तो यार ये सारी चीजें मिल रही है यहाँ पे, सारा एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे। और अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट्स के बारे में, यार इतने पैसे देने के बाद में कितनी प्लेसमेंट लग रही है, देखो इस कॉलेज के अंदर जितने भी टॉप कंपनीज सारी कंपनीज रिक्रूट करती है और जो इसका एवरेज पैकेज है वो 12-13 लाख पर NM है, जो LNMIIT का भी इतना ही था एवरेज पैकेज, अराउंड इतना ही था 12-13 ही था या फिर 13-14 से कुछ था, तो LNMIIT का भी इतना ही पैकेज था, इसका भी एवरेज पैकेज 12-13 लाख पर NM है, इसका हाईएस्ट पैकेज रिसेंट में गया हुआ 51 LPA का, तो आप देख सकते हो कि प्लेसमेंट के मामले में DA-IICT कहीं पे भी लैग नहीं करती, इसके अंदर ब्रांचेज ही सारी अच्छी क्वालिटी की, सीट्स भी बहुत कम है, तो अपना आप एवरेज पैकेज भी अच्छा निकल रहा है और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेंटेन्ड है, इस रीजन से प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स इस कॉलेज का काफी ज्यादा डिसेंट है। तो भाई साहब ये सारे थी अच्छाइयां DA-IICT की, ठीक है, अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में, कॉन्स के अंदर यार मेरे को एक चीज काफी भयानक सी फील हुई, इतनी सारी अच्छाइयां देख ली इस कॉलेज का, मतलब मन होगा कि मेरा एडमिशन वहां पे क्यों हो जाए, फिर पता चला मेरा तो होता भी नहीं
वहां पे एडमिशन, क्योंकि इसके अंदर जो एसीपीसी काउंसलिंग है उसके अंदर 50% सीट्स रिजर्व है, 50% सीट्स वो केवल गुजराती कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जो गुजरात सीईटी एग्जाम है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट दे ही नहीं सकते, जैसे कॉमेड के है वो कर्नाटका के कॉलेजेस का, तो पूरे इंडिया से एग्जाम उसको दे सकते हैं, ठीक है, पर अपन गुजरात सीईटी का एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप एक गुजरात स्टूडेंट, गुजरात के स्टूडेंट नहीं हो, फिर आपने गुजरात से 12th नहीं कर रखी, तो आप उस एग्जाम को नहीं दे सकते, मतलब एसीपीसी काउंसलिंग में आप नहीं बैठ सकते। तो 50% DA-IICT एडमिशन डायरेक्टली देता है गुजराती को, मतलब उसके ऊपर केवल गुजराती ही फाइट करेंगे, तो आप गुजरात से हो तो आपके लिए अरे काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है DA-IICT को ग्रैब करने की। इसके अलावा अगर बात करें तो अब ये चीज तो हो गई, अब 15% चला जाता है NRA कोटा, बचती है 35% सीटें जिसके ऊपर पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, मतलब JEE मेंस के अंदर जो इसकी कट ऑफ होगी वो बहुत ज्यादा हाई जाती है, 8,000-9,000 पे जाके आपको DA-IICT मिलेगी JEE मेंस के थ्रू, जो ऑल इंडिया कैटेगरी है उसके थ्रू, तो आप देख सकते हो कितनी कट ऑफ है। मेरे को तो यार इसका एक ही पॉइंट लगा, जो दूसरे जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन सा फैक्टर हो सकता है, और गुजराती के लिए ऑब्वियसली प्रोज का ही पॉइंट है, मतलब अगर आप गुजरात को तो आपके लिए DA-IICT अच्छा ऑप्शन है, ये ऑब्वियसली है ये, ठीक है, पर दूसरे स्टेट वालों के लिए कौन सा फैक्टर है, उसके अलावा इतने कोई मेजर कौन से फैक्टर्स नहीं है। एक फैक्टर तो ये है कि यहां पे आपको 3 शेयरिंग रूम ही मिलेगा और आपको सिंगल रूम मिल ही नहीं सकता कोई केस के अंदर, तो आपको ये चीज देखनी पड़ सकती है कि आपको साथ में रहना पड़ेगा दो दोस्तों के। और एक चीज ये है कि अगर आप एक डे स्कॉलर हो, मतलब आप गांधीनगर के अंदर ही रहते हो जहां पे एक कॉलेज है, तो आप घर पे नहीं रह सकते, आपको कैंपस के अंदर ही रहना पड़ेगा, ऐसा मैंने सुना है वहां के स्टूडेंट से ही, मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे पता नहीं किया, जो वहां के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो मुझे बताया वही चीज आपको बता रहा हूं, तो उन्होंने यही कहा कि डे स्कॉलर्स अलाउड नहीं है तो आपको कैंपस के अंदर ही रहना पड़ेगा, तो ये चीज थोड़ी सी अलग हो सकती है जो गांधीनगर के स्टूडेंट है उसके लिए। और उसके अलावा 2-व्हीलर्स अलाउड है, 4-व्हीलर्स कैंपस के अंदर अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो ये भी कोई बहुत बड़ा कौन का फैक्टर नहीं है। और इसके अलावा ऐसे को 2-3 पॉइंट्स और थे जो मेरे को कुछ ज्यादा वर्थ नहीं लगा, जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो मेन जो पॉइंट्स थे मैंने प्रोज एंड कॉन्स के अंदर सारे कवर कर लिए, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छे से रिसर्च करके DA-IICT के जितने भी यूनिक थिंग्स, और मेरे को रियली में इसके अंदर ऐसी 2-3 चीजें दिखी जो मेरे को काफी यूनिक लगी, वो सारी बताने की कोशिश की। इसके कुछ जो कॉन्स के फैक्टर, मतलब मेन जो एक रिजर्वेशन वाला फैक्टर है वो मैंने आपको बताया, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और किसी भी ये गुजराती दोस्त के साथ में शेयर कर देना कि DA-IICT के अंदर 50% रिजर्वेशन है गुजराती, इसके लिए बहुत बड़ी बात है, बाकी हमारे लिए तो 35% ही सीटें पड़ी है, तो इसके ऊपर अपन को कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। और 7-8 हज़ार रैंक के अंदर तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी NIT के अंदर लोअर ब्रांचेस मिल जाती है, या फिर लोअर NITs के अंदर कोर ब्रांचेस मिल जाती है, अभी कंप्लीटली आपका डिसीजन है, आप DA-IICT में एडमिशन लेते हो नहीं लेते हो, बस कमेंट करके जरूर बता देना अगला प्रोज एंड कॉन्स कौन सी वीडियो के, मतलब कौन सी कॉलेज के ऊपर होना चाहिए। तब तक स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।